नमस्कार, आई एम डॉक्टर एस के गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज मैं आपसे बात करूंगा फीमेल जेनाइटल कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में, और इसमें सबसे कॉमनली की जाने वाली सर्जरी होती है लेबिया प्लास्टी या लेबिया माइनोरा रिडक्शन। वजाइनल ओपनिंग या योनि द्वार के बाहर त्वचा के दो फोल्ड्स होते हैं। इनर फोल्ड या इनर लिप को लेबिया माइनोरा कहते हैं और आउटर फोल्ड या आउटर लिप को लेबिया मेजोरा कहते हैं। कभी कभी लेबिया माइनोरा या इनर लिप जो है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा हो जाता है और आउटर लिप के बाहर दिखता है और भद्दा सा लगता है। लेबिया प्लास्टी या लेबिया माइनोरा रिडक्शन इस लिप को साइज में छोटा कर देती है और आउटर लिप के लेवल पर ले आती है ताकि ये ज़्यादा बड़ा ना दिखाई दे। इन कुछ प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ्स के ज़रिए आपको ये बात बेहतर तरह से समझ में आ जाएगी या क्लियर हो जाएगी। इनर लिप या लेविया के साइज में बढ़ने का कारण एजिंग हो सकता है या रिपीटेड प्रेगनेंसी हो सकती हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो सकती है, और कभी कभी ये प्रॉब्लम फैमिली में रन करती है। साइज में बड़े लेविया एक्सरसाइज, सेक्सुअल एक्टिविटी या लोकल हाइजीन या साफ सफाई में प्रॉब्लम कर सकते हैं, और कभी कभी ये यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन का कारण भी हो सकते हैं। आजकल प्रचलन में आई हुई टाइट योगा पैंट्स, स्विम सूट्स या वर्कआउट पैंट्स के पहनने में भी ये बाधक हो सकते हैं। इसके कारण महिलाएं बहुत सेल्फ कॉन्शियस महसूस करती हैं और इसी कारण इस लेबिया प्लास्टी या लेबिया माइनोरा रिडक्शन का प्रचलन काफ़ी अधिक हो गया है। लेबिया प्लास्टी दो तरह से की जाती है। पहला तो होता है ट्रिम प्रोसीजर, जिसमें बढ़े हुए लेबिया को सिंपली ट्रिम कर दिया जाता है और स्टिच कर दिया जाता है। और दूसरा होता है वेज प्रोसीजर, जो कि कॉमनली किया जाता है। इसमें लेबिया के बड़े हिस्से से एक वेज या एक तिकोना हिस्सा निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसको स्टिच किया जाता है। इस वेज रिसेक्शन प्रोसीजर में लेबिया का नॉर्मल कलर और लुक मेंटेन रहता है और यही सर्जरी ज़्यादा पॉपुलर है। ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में एज ए डे केयर किया जाता है। ऑपरेशन के बाद कोई विशेष इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, थोड़े ढीले कपड़े पहनने होते हैं, रनिंग, बाइकिंग और सेक्सुअल एक्टिविटी मना रहती है थोड़े समय के लिए, नॉर्मल वॉकिंग वगैरह में कोई मनाही नहीं रहती है। ये सब इसलिए होता है ताकि हीलिंग प्रॉपरली हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ यूज़फुल जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।